Cena's got that chain in his hand. John Cena. Look at Cena. Watch Cena. Right hand. Cena with a chain to the skull. डिबेट्स इंडिया के लिए कोई नई बात नहीं है। ये सदियों पुराना ट्रेडिशन है जो कि उपनिषद के समय से डॉक्यूमेंट किया गया है। राजा जनक भी अपने दरबार में डिबेट्स का इस्तेमाल करते थे। इनफैक्ट ये सिर्फ एक डिस्कशन फॉर्मेट नहीं, एक साइंस की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसे वाद विद्या का नाम दिया। लेकिन हमने इस एज ओल्ड ट्रेडिशन को क्या बना दिया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहक। और मेरा नाम है शिखर। और आज हम बात करेंगे इंडिया में मीडिया ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। राजा राममोहन रॉय ने अपने न्यूज़पेपर से ही एक सोशल चेंज को इंस्पायर किया, और न्यूज चैनल्स ने कारगिल वॉर के वक्त इंडिया को पहली बार लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए उनकी आर्मी के सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली अब टीवी मीडिया बस एक बड़ा सर्कस बन गया है। आजकल के न्यूज डिबेट्स में बहुत सी बातें कॉमन हैं। सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी है वो कि पैनलिस्ट को कैसे चुना जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे लोगों को प्रेफरेंस मिलती है जो एक्सट्रीम बातें करते हैं, जिससे कंट्रोवर्सी ज्यादा हो। हमारी आन पे चोट पहुंची है, तभी हमने तलवार बाहर निकाली है। कहाँ पहुंची है आपकी आन? नहीं, दीपिका पादुकोण खुलेआम बोल रही है पिक्चर रिलीज होगी, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या वो प्रधानमंत्री से बड़ी है? ना कि वो लोग जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। एनर्जी पॉलिसी, केन, व्हाट स्टेप्स विल योर एनर्जी पॉलिसी टेक टू मीट आवर एनर्जी नीड्स व्हाइल एट द सेम टाइम रिमेनिंग एनवायरमेंटली। इतने सालों से राम मंदिर नहीं बना पाए, सब कुछ बन गया। हर आप सही कह रहे हैं, सिर्फ राम के नाम पे राजनीति हो रही है। Yes. कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। और इसी वजह से वो लोगों को ढंग से वेट भी नहीं करते। जैसे देखिए इन्हें, जो खुद को ग्रैंड मास्टर शिफू कहते हैं। नगरोटा है क्या सर? आप सिक्योरिटी की बात करें, सब बात करें, नगरोटा है कहाँ पर? ये अपने आप को एक कमांडर ट्रेनर और एक्स आर्मी मैन बुलाते थे। इनको कई चैनल्स ने डिबेट्स के लिए एज अ मिलिट्री एक्सपर्ट बुलाया भी था, लेकिन ललन तो वेबसाइट ने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि ये कभी आर्मी में थे ही नहीं। ये भी मैटर करता है कि कितने लोगों को बुलाया जाता है। एक अच्छे पैनल का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी दुनिया को बुला लें। और कई बार इन डिबेट्स में एक बैलेंस पैनल नहीं होता। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक व्यू को 5-6 लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं और दूसरे व्यू को बस 1 या 2। लेकिन हमें ये भी नोट करना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स में दोनों तरफ इक्वल व्यू प्रेजेंट करना डिबेट के लिए बुरा हो सकता है। यह आपसे किसने कह दिया कि जो समलैंगिक है वो धार्मिक नहीं होता? अगर किसी ऑब्वियस या फैक्चुअल स्टेटमेंट को भी दो लोग डिबेट करें तो ये लगता है कि इसका आउटकम 50-50 है। अगर कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है तो आप क्या कहते हैं, उसको मार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद कहता है कि यह मानसिक अवसाद है, यह मानसिक उन्माद है। न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर जब हो जाते हैं तब इस तरीके की समस्या आती है, ऑपरेशन की जरूरत है। सूडान, ईरान, इराक के किसी कट्टर मौलवी की तरह साउंड कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स के लिए डिबेट एक करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, और न्यूज चैनल्स को भी यह समझना चाहिए। जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें जेंडर का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इंडिया स्पेन ने 5 दिन तक मल्टीपल न्यूज डिबेट्स को मॉनिटर किया और ये देखा कि इन पैनल्स में मेन का रिप्रेजेंटेशन विमेन से 4 टाइम्स से भी ज्यादा होता है। अमेरिका की एक स्टडी से हमें ये पता चला कि पैनलिस्ट ही नहीं, लाइव ऑडियंस का होना भी डिबेट्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनके रिएक्शन और तालियों से टीवी व्यूअर्स काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। निकाह पिक्चर का वो गाना याद आ गया, दिल के जब US प्रेसिडेंशियल डिबेट्स को ऑडियंस के अप्लॉज के बिना दिखाया गया तो कैंडिडेट्स की रेटिंग्स भी कम हो गईं। और सबसे इन्फ्लुएंशियल होते हैं इन डिबेट्स के टीवी एंकर्स या मॉडरेटर्स। ना वो सबको बोलने देते हैं। आप आज बताइए, जितने न्यूज आर के व्यूअर्स है तो आप कह रहे हैं, आपने 4 मिनट बोला, मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा। आपका समय शुरू हो गया है, अब
प्रकाश जी यू नो होम मिनिस्टर हैज आल्सो गिवन प्रेफरेंस व्हाट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्मनिरपेक्ष इज द संसद हैज बिकम धर्मनिरपेक्ष नो सेकंड थिंग नो रॉन्ग और जब बोले देते भी हैं तो उनको रोकते नहीं नमस्ते बिस्कुट खाओ नमस्ते बिस्कुट खाओ कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी और फॉर्मेट रेकमेंड किया है जिसमें सब पैनलिस्ट के पास लिमिटेड टाइम होगा और जब वो माइक पे बोलना शुरू करेंगे तो उनका काउंटडाउन चेस की गेम की तरह शुरू हो जाएगा 1995 में सिर्फ एक चैनल था और आज की तारीख में 400 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं पहले बस उस दिन के स्ट्रेट फॉरवर्ड समाचार सुनाए जाते थे और अब क्या आपने सुना एलियंस अब तक एक दो नहीं हजारों गायों को गायब कर चुके हैं हम यहाँ कैसे पहुंचे मेन प्रॉब्लम है कि न्यूज चैनल्स का पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है डिजिटल और सोशल मीडिया की वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट्स के एड मिलना भी मुश्किल हो गया है इसलिए सभी न्यूज चैनल्स अब प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट्स पर ही निर्भर करते हैं जो मिलते हैं टीआरपी से टीआरपी बढ़ाने के लिए उनका 3 C's फॉर्मूला है क्राइम उस मॉडल के खूनी खेल की कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी सिनेमा दीपिका ने दी कैटरीना को नसीहत शादी नहीं करना रणबीर से और क्रिकेट तीसरा पिंडली यानी काफ मसल्स में चर्बी कम होना लाइव इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था कि दिल्ली के स्कूल में कई स्कूल टीचर्स एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं इसे सुनकर पेरेंट्स ने स्कूल में घुसकर एक टीचर को बहुत पीटा पर बाद में पता चला कि वो स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल फेक था दूसरा रीजन है मीडिया की गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस वो न्यूज चैनल्स जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दिखाते हैं उनकी टीआरपी भी ज्यादा होती है और ऐसे इंटरव्यू पाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है आप फकीरों की तरह रहते हैं आप फकीर अपने आप को बताते छुट्टी आप कभी नहीं लेते और मैंने ये सुना है कि जब आप विदेश दौरे पर जाते हैं तो ट्रैवल रात में ट्रैवल करते हैं कहीं आप रात में रुकते नहीं एक तो मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है और ईश्वर ने जितना समय दिया रब ने बनाया इतना सोना क्यों रब ने बनाया और कुछ चैनल के ओनर्स तो खुद ही पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं अगर हमें न्यूज और उनके डिबेट्स में बायस हटाना है तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स को मीडिया ओनरशिप से बैन करना ही होगा 2014 में ट्राई ने भी ये चीज ही रेकमेंड की थी और अगर हम ओनरशिप के बारे में सोचे भी नहीं हमें ये याद रखना होगा कि गवर्नमेंट चाहे जो भी गवर्नमेंट हो मीडिया चैनल्स के बहुत बड़े क्लाइंट होते हैं पिछले 4 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग पे 4,300 करोड़ रुपए खर्च करे हैं जिसमें काफ़ी अमाउंट टीवी और न्यूज़पेपर एड्स में गया है अब कोई भी स्मार्ट बिजनेस क्या अपने सबसे बड़े क्लाइंट की बुराई आसानी से कर पाएगा विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है जबकि मोदी का सीना 56 इंच है कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है तो एज अ व्यूअर हम क्या कर सकते हैं हम कम से कम इन डिबेट्स को सुनने के वक्त और अलर्ट रह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी पैनलिस्ट अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए टेढ़े तरीके अपनाते हैं ये सदियों पुरानी तरकीबें हैं जिन्हें फिलोसोफर्स ने हजारों साल पहले पहचान लिया था सबसे कॉमन तरीका है पर्सनल अटैक करना जिसमें वो दूसरे पैनलिस्ट के कैरेक्टर या रिकॉर्ड को अटैक करते हैं अगर मैं आपके बारे में कह दूंगा सकूंगा शर्मसार हो जाएंगी यादव परिवार में किस तरह से राजनीति कराई जाती है नहीं नहीं उस पर बोल दूंगा ना तो शर्मसार हो जाएंगी आप प्रेम शुक्ला जी शर्म करके लेकिन ये बस एक डिस्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पैनलिस्ट का आर्ग्यूमेंट गलत है नेक्स्ट तरीका है अपील टू इग्नोरेंस
यानी ये कहना कि कोई बात इसलिए सच है कि उसे अभी तक गलत साबित नहीं किया गया। गायब गाय का रहस्य अब तक अनसुलझा है। तीसरा है रेड हेरिंग, मतलब सिंपली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना। अंग्रेजों से सर्टिफिकेट लेने की इनकी पुरानी आदत है, आज की नहीं है। 47 से पहले अंग्रेजों से ही सर्टिफिकेट लेते थे। अंग्रेजों से अब IMF के सर्टिफिकेट बांटने आ गए आप। पैनलिस्ट ऐसी चीजें बोलते हैं जो ऑन टॉपिक साउंड तो करती हैं, लेकिन असल में उसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हाँ हाँ, आप देखिए ध्यान से, मैं तो अंग्रेजी हूँ, मगर मैं तो अंग्रेजी हूँ, आप जान नहीं पा रहे मैं अंग्रेजी हूँ, मगर मैडम सोनिया गांधी का जन्म झुमरी तलैया में हुआ था। तो कंक्लूजन में हम बस ये कहेंगे कि हमें और रेगुलेटर्स को जल्द से जल्द एक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मीडिया डिबेट्स जो नेशनल कॉन्वर्सेशन को अफेक्ट करते हैं अगर ऐसे ही चलते रहे तो हमारा मीडिया में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। और US की तरह लोग सिर्फ ऐसे बायस मीडिया को ही फॉलो करेंगे जो उनके व्यूज को सपोर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कि अब आप इन डिबेट्स को और स्मार्टली जज करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली, इस वीडियो को प्लीज शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें।